वीडियो में खुद ही नहीं अपील भी करता है कि जितने भी भाई बंधु इसको देख रहे हैं वो भी गर्दन अलग कर दें लोगों की। ये जमीनी झगड़े में नहीं होता, ये किसी पैसे के विवाद में नहीं होता। क्या गृह मंत्री राजस्थान के इतनी बेसिक सी बात नहीं जानते हैं? पर यह हत्याकांड नहीं, यह सरेआम आतंकी हमला हुआ है। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री हर चीज के लिए प्रधानमंत्री जी को याद करेंगे तो अपनी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते? जब कुर्सी संभल नहीं रही, जब जनता की सुरक्षा नहीं हो पा रही, या तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं या उस जिम्मेदारी से हट जाएं। कल की जो उदयपुर में घटना हुई है, एक आतंकी हमले में कन्हैया लाल व्यक्ति की गर्दन काट दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई, इससे पूरा देश, हर समाज में आक्रोश है, गुस्सा है। राजस्थान के अंदर साधारण लोगों में असुरक्षा की भावना भी है। ये गुस्सा जायज है, लेकिन संविधान के तहत, देश के कानून के तहत और पीसफुल तरीके को पालन करना, शांतिपूर्ण सौहार्द बनाकर कार्रवाई करना, ये बहुत जरूरी है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये अपील है कि पूरे देश के अंदर जो भी घटना हुई है उसके बावजूद शांति का माहौल बना रहे, सौहार्द का माहौल बना रहे। हम सबकी संवेदनाएं कन्हैया लाल जी के परिवार के साथ भी है। आज पूरा देश कन्हैया लाल जी के दर्द में शामिल है, हम उनके परिवार के साथ हैं। और ऐसी जितनी भी घटनाएं अभी तक हुई हैं आतंकी हमलों में जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। इस समय भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे, दुख सहन करने की शक्ति दे। राजस्थान की राज्य सरकार की जो पिछले 3.5 साल में जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई करी है, पूरी तरह से राज्य सरकार इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है। ये अपने आप में एक अलग घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं बार बार राजस्थान में हो रही हैं। ऐसे आतंकी संगठन राजस्थान में पनप रहे हैं और राजस्थान सरकार ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके बढ़ावे के अंदर इनको प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक के बाद एक राजस्थान सरकार के जो फैसले हुए हैं वो साफ तरह से तुष्टीकरण दिखाते हैं। एक संप्रदाय की तरफ नरमी और दूसरे संप्रदाय की तरफ सख्ती, आप इसी से समझ सकते हैं कि इस घटनाक्रम के अंदर, उदयपुर की इस घटनाक्रम के अंदर सबसे पहले गिरफ्तारी कन्हैया की हुई और कन्हैया लगातार लोकल पुलिस से सिक्योरिटी मांगता रहा, लेकिन उसे सिक्योरिटी नहीं दी गई, बल्कि उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि वो समझौता कर ले। और आप ताज्जुब करेंगे कि सिक्योरिटी कन्हैया को ना देकर जो हत्यारे थे उनके भाइयों को सुरक्षा दी गई। 6 दिन तक जब अपनी दुकान बंद रखी, उसके बाद जिस दिन उसने खोली उसकी हत्या कर दी गई। आप इस बात से भी चौंकेंगे कि यह घटना हुई और राजस्थान के गृह मंत्री, जिनकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वही जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं, और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, वो इस घटना को मर्डर कहते हैं, हत्याकांड कहते हैं। जब कोई वीडियो बनाता है इस कांड से पहले और फिर निर्मम हत्या करते वक्त वीडियो बनाता है, उन दोनों को वीडियो को जारी करता है, वायरल करता है, वीडियो में खुद ही नहीं अपील भी करता है कि जितने भी भाई बंधु इसको देख रहे हैं वो भी गर्दन अलग कर दें लोगों की। ये
जमीनी झगड़े में नहीं होता, यह किसी पैसे के विवाद में नहीं होता। क्या गृह मंत्री राजस्थान के इतनी बेसिक सी बात नहीं जानते हैं? हर चीज को राजनीतिक चादर उड़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझे। और यह हत्याकांड नहीं, यह सरेआम आतंकी हमला हुआ है। यह देश के पूरे समाज को आतंकित करने के लिए यह कार्रवाई करी गई है। और जैसे मैंने पहले कहा, यह अपने में अकेली अलग घटना नहीं है। ऐसे न जाने कितने व्यक्ति प्रेरित हो रखे हैं, भड़काए हुए हैं। बूंदी के अंदर एक मौलाना ने खुलेआम लोगों की गर्दन अलग करने का आह्वान करा, पुलिस उस वीडियो में दिखती है खड़ी हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी गई। जोधपुर के अंदर हत्या हुई दीपक की, दिन दिहाड़े उसकी हत्या करी गई, परिवार हत्यारों का नाम बताता रहा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब इस तरह की हरकत करेगी राजस्थान की पुलिस प्रशासन के दबाव में, तो जिहादियों के आतंकियों के हौसले तो बुलंद होंगे ही। पिछले अक्टूबर के अंदर एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या करी गई जोधपुर के अंदर, उसकी टांगे काट दी गई। रतन सोनी आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पिछले 6 महीने के अंदर एक भी सप्ताह ऐसा नहीं गया जब राजस्थान के अंदर कोई ना कोई आतंकी जिहादी कांड नहीं हुआ हो। और इसके लिए सरासर राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। जब त्योहार होते हैं तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून मनाए जाते हैं। एक समुदाय के ऊपर त्योहारों पर अंकुश लगाया जाता है, बंदिश लगाई जाती है, और उसी के साथ साथ जब दूसरे समाज के त्योहार हो रहे होते हैं तो उनको खुली छूट दी जाती है। जब इनके कट्टरपंथी संगठन यात्रा निकालते हैं तो उसको रोका नहीं जाता, उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है। स्लीपर सेल राजस्थान के अंदर आ गए हैं, आतंकी संगठनों के साथ इन सब का कहीं ना कहीं मेल मिलाप है, गहरी साजिश है ये, और उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर जीरो है। जनता की सुरक्षा को दरकिनार करके राजस्थान के अंदर जो पुलिस का इंटेलिजेंस है वो केवल और केवल राजनीतिक इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री हर चीज के लिए प्रधानमंत्री जी को याद करेंगे तो अपनी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते? जब कुर्सी संभल नहीं रही, जब जनता की सुरक्षा नहीं हो पा रही, जब अंदरूनी खींचतान चल रही है कांग्रेस के अंदर इतनी जबरदस्त, तो कम से कम एक मॉरल ऑब्लिगेशन के तहत या तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं या उस जिम्मेदारी से हट जाएं। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति समाज को बांट रही है, और देश के अंदर और विदेश से जो आतंकी संगठन हमारे देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, अस्थिर करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की भूमि इस्तेमाल की जा रही है। क्योंकि यह घटना अपने आप में अकेली नहीं है, एनआईए ने इसकी इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले ली है, और अब जहां तक ये जो गहरे कनेक्शंस हैं, लिंक्स हैं, उन सब के ऊपर तहकीकात की जाएगी। कौन है जो राजस्थान के अंदर सत्ता में रहकर इनको शह दे रहा है? कौन है जो इनको बढ़ावा दे रहा है? इस तरह के हर कनेक्शन को देश की सुरक्षा कायम रखने के लिए उस पर कार्रवाई होगी। और अंत में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपील करती है कि देश की सुरक्षा जांच एजेंसियां काबिल हैं और अपना काम करेंगी। देश में जो गुस्सा है उसको
शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करते हुए ही उसे लोग जाहिर करें। शांति और सौहार्द बहुत जरूरी है। राजस्थान सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे, अभी भी समय है। हर तरह से राजस्थान के अंदर एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो करौली हो जिसका मुख्य जो परपेट्रेटर था वो आज भी पुलिस की हिरासत में नहीं है, चाहे करौली हो, चाहे झालावाड़ हो, चाहे जोधपुर हो, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, चाहे अलवर हो, एक के बाद एक राजस्थान सरकार नाकामयाब हो रही है और कहीं ना कहीं इन कट्टरपंथी संगठनों को समर्थन देती दिख रही है। धन्यवाद।